मेरा नाम अर्जुन कनौजिया, यूपी में आजमगढ़ जिला। ये हमारा तो यहाँ 1971 से चालू है। हाँ, पिताजी थे और उसके बाद 32 साल हो गया हम संभाल रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है ये अपने मेहनत का पैसा, और हम अपने घर में रह के दो पैसा कमा लेते हैं, अच्छे से परिवार संभाल रहे हैं। कम से कम गाड़ी में धक्का नहीं खाना पड़ रहा है, किसी का गुलामी नहीं करना पड़ रहा है, अपना काम करके अपना अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। और क्या चाहिए, विकलांग भी हैं लेकिन फिर भी अपना काम तो कर रहे हैं ना। इतनी हालत में नौकरी तो नहीं कर सकते हम, लेकिन अभी हम लोग मियाँ बीवी दोनों हैं तो अपना दुकान संभाल रहे हैं। कितना भी कमाए दो टाइम खाना ही खाएगा, नोट की गड्डी लेके सर में नहीं सोएगा, और इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। जाने वाला है तो अपना, जो अपना जिंदगी में अच्छा कर्म किया रहेगा वही भगवान के पास अच्छा कर्म होके जाता है, और बुरा कर्म करेगा वो भी हो जाता है। ये धरती किसी की नहीं है, भगवान की है। तो भगवान की धरती पर मेहमान बन के रहो, अच्छे से कमाओ खाओ, अच्छे से जिंदगी बिताओ, दूसरों की इज्जत करो, अपने माँ बाप का सबका आदर करो, चोरी बेईमानी मत करो, खुशी से प्रेम से भगवान के पास रहो, फिर वापिस जन्म ना लेना पड़े। अच्छा, मतलब अगर हम ज्यादा पाप करेंगे तो हमको क्या वापस जन्म लेना पड़ता है? हाँ, भटकना पड़ता है, फिर वापिस आके भटकना पड़ता है। जो अच्छा कर्म किया रहेगा उसको फिर वापिस जन्म लेना नहीं पड़ता है। टाइम टेबल से काम करते हैं, टाइम टेबल से खाना खा के आराम करते हैं, और क्या चाहिए। सुबह हम उठते हैं 6:30 बजे, पहले तो गर्म पानी पीते हैं, लहसुन खाते हैं, फिर योगा करते हैं, 7:45 बजे यहाँ पे दुकान पे आते हैं, फिर काम चालू करते हैं, 1 बजे बंद करते हैं, 5 बजे तक आ जाते हैं, फिर उसके बाद रात को 10 बजे जाते हैं खाना खा के। फ्राइडे को आधा टाइम छुट्टी रहता है, ग्राहक को एक भगवान समझ के सेवा करो, आप उनका काम करो, उनसे दो पैसा लो, उनकी भी जिंदगी चलती रहेगी, हमारी भी जिंदगी चलती रहेगी। ये हमारी खानदानी परंपरा है, हम पहले से ही जब से पैदा होते हैं तो इसी में रहते हैं, इसलिए हमको इसी का नॉलेज रहता है, इसलिए हमको ये सीखने के लिए ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है। लेकिन हम खानदानी पैसा, इसलिए हमको बचपन से इसका याद है। हम स्कूल जाते हैं तो पहले से अपना कपड़ा धीरे धीरे इस्त्री करना शुरू करते थे, कपड़ा हर प्रकार का रहता है, सबको समझना पड़ता था। तो सबसे बड़ी समझने वाली हमारी इस्त्री में कितना गर्म है, उसके हिसाब से कपड़े कौन सा चलना चाहिए, वो जानकारी होना चाहिए। वो जानकारी अगर हो गई तो कोई कुछ भी कर सकता है, और एक बार जानकारी हो गई तो उसके सामने कोई भी कपड़ा आता रहे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो इस्त्री होती है वो सब अलग अलग कपड़े की अलग अलग इस्त्री होती है? नहीं, एक इस्त्री सब कपड़ों के लिए चलती है, क्योंकि इसका कम से कम 5 किलो वजन रहता है। लेकिन ये हैवी कपड़े के लिए अच्छा है, नॉर्मली कपड़े के लिए तकलीफ है, लेकिन इसके नीचे पीतल है इसलिए वो हल्का भी कपड़ा रहेगा, नॉर्मल इस्त्री ठंड गर्म रहेगी तो आराम से चल जाती है। ये इस्त्री को लेकर कम से कम हुआ रहेगा 15 साल, और ये इस्त्री को रहेगा कम से कम 50 साल। और क्या? इसकी पीतल देखिए कितनी जाड़ी है, ये 900 का लिए थे 15 साल पहले। हाँ, और आज ये इस्त्री का क्या भाव रहेगा? 5,000 कीमत है। और ये इस्त्री देखो एकदम, ये देखो ये इतनी पतली हो चुकी घस के, ये 7 रास्ता से आई हुई इस्त्री, जब हमारे बाप नौकरी करते थे। अंदर क्वाइल होता है, पुट्ठा होता है, कभी भी जाता है। अभी देखो हमने बना के मंगाया, 1700 रुपया लगा है, तब ये 500 की इस्त्री भी नहीं रही होगी। तो क्वाइल पीतल का रहता है, पीतल के तार का पुट्ठा रहता है, इसके लिए जल्दी ओरिजिनल चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसमें स्विच में कैसे है, हम इधर से वायर कनेक्शन दिए हैं तो ऊपर से हम वायर लगाए हैं, तो इसको वायर जब हम चालू करेंगे तब करंट आता है इसमें। तो पहले तो ऐसा 3 प्लग वाला था तो हमेशा जल जल के ख़राब होता था, प्लग ख़राब होता था, इसलिए बॉक्स भी ख़राब जल जाता था। इसलिए जब से ये चालू हुआ तब से ये ख़राब नहीं होता है। कैसा इसके अंदर मिट्टी का रहता है ना, इसलिए ख़राब नहीं होता है, चीना मिट्टी का रहती है। और वो प्लास्टिक होने का तो जल जाने का। हाँ, जल जाती तो हमेशा समझ लो 2-3 महीने में वो जली जाती थी, और पूरा बॉक्स भी जल जाता था, पूरा बदली करना पड़ा, खर्चा ज़्यादा था। अभी क्या, ये ला के लगा दो, ये अपने हाथ से भी लगा सकते हैं, किसी बुलाने की जरूरत नहीं है। सर ये स्विच लगाया वहाँ बंद करो, पूरा घर का काम अपने हाथ से कर सकते हैं। यहाँ ख़राब हो गया तो मीटर किधर बंद कर दीजिए, यहाँ भी बदली कर सकते हैं। और धरती पर कोई भी काम बुरा नहीं है, हर काम लायक, जहाँ दो पैसा मिल सके काम करो, अपना फर्ज निभाओ, अपना परिवार संभालो। परिवार ही संभालना सबसे बड़ी चीज़ है। हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाई लिखाई कर देंगे, कल हमारे बच्चे आगे बढ़ के और भी अच्छा काम करते जाएंगे। हम अच्छा चुने रहेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे रास्ते चलते रहेंगे, अगर हम गलत करेंगे तो बच्चे भी हमारे गलत कर रहे हैं। हम 3 भाई हैं, आज हमारे घर में लड़कियाँ, यूपी में हमारी लड़कियाँ अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, लड़के इंजीनियर हो चुके हैं। अभी हमारा यहाँ लड़का है सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है, लेकिन वहाँ भी 2 पैसा मिलता ही है, 8 घंटा ड्यूटी काम करता है, अच्छे से काम करके आता है। भगवान चाहेगा तो और आगे भी जा सकता है, क्योंकि कोई नशा पानी नहीं है, 2 लड़कियाँ उसको है, तो अगले इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करा रहे हैं तो आगे चल के वो सर्विस अच्छी कर सकती हैं। इंसान खास मतलब, लेकिन पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, और जितना भी पढ़ाई करेगा इंसान उतना आगे बढ़ सकता है। कोई कुछ ना लेके आया है और ना तो लेके जाएगा। मेरा 52 उम्र है, लेकिन मैं 45 में अपने बच्चों का शादी ब्याह करके फ्री हो गया, मेरे कर्म का फल है। ये भगवान ने
दो पोती दिया है, पोतियों से खुश हूँ, उल्टा पोते से इतना नहीं खुश हूँ जितना मैं पोतियों से खुश हूँ। क्यों? कि लड़की आज देश में बहुत आगे है और लड़की एक माँ बाप का दादा दादी का सहारा हो जाती है, लेकिन लड़के वही बाहर निकल के कुछ भी फालतूगिरी करते रहते हैं। मोदी और योगी के आगे कोई है ही नहीं, कोई नहीं रह गया है। आज तक 70-75 साल से यूपी के विकास कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब विकास इतना तेजी में है। दुनिया में बहुत सारे मुंह हैं, हर मुंह अलग अलग बात बात करता है, लेकिन सबका बात सुनने का, लेकिन काम अपना करते रहने का। लेकिन मेरे एक हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, भले चाहे उन्हें कोई गाली दे, चाहे कोई आशीर्वाद दे। कहावत है ना, हाथी चली जाती है या कुत्ते भूखते रहते हैं। अभी एक नाथ शिंदे ने भी कितना महाराष्ट्र में पैसा भेजा है, अभी जो गटर हम कभी जिंदगी में कोई घर नहीं बनाता वैसा हमारे यहाँ गटर बन रहा है, डबल सलिया लग के आप देख सकते हैं बाहर। जब अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छा काम होते रहेगा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि काम इतना हो रहा है, महंगाई बढ़ना ही है। विदेशों में लड़ाई हो रही है तो महंगाई होना ही है, क्योंकि हर चीज इंडिया में नहीं पैदा होती ना, विदेशों से भी आता है। सवाल है, जब जिसका देश सत्यानाश हो रहा तो वहाँ हम अपने लिए मंगाएंगे तो हमारे लिए महंगाई है ना। अभी हमारे आजमगढ़ में इतना भारी एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे लाइन इतना चालू हो रहा है, आज तक तो वहाँ पे गाय भैंस बकरी सब रहते थे, क्यों आज तक क्यों नहीं विकास हुआ? 70 साल से सबके घरों में इतना इतना पैसा निकला तो कहाँ से निकला? बैंक के बजाय घर में निकल रहा है। जब बैंक में नहीं डालेंगे तो विकास कहाँ से होगा? जब कोई काम होता है वहाँ 10 मजदूर काम करते तो वो एक विकास होता है कि उनको भी पेट भरने के। सरकार अपने खजाने में पैसा नहीं भर के रख रही है, सरकार पैसा काम करवाती है। काम करने में इंसान काम करता है तो वहाँ से पैसा उनको मिलता है तो उनका घर चलता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा घूम फिर के चलते रहता है, इंसान का पेट भरते रहता है, काम होते रहता है। योगी जी के और मोदी जी से आने से ही सब शुरुआत कहानी शुरू हुई। रिलायंस वाला कोई कंपनी का कुछ भी कारोबार कर रहा है तो उस पर हजारों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, उनका पेट भर रहा है। मोदी जी क्या है? मोदी आज हैं कल उतर जाएंगे, दूसरा कोई बैठेगा तो अच्छा जगह करने बुरा करेगा। आज विदेशों से लोग आज मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, आज तक कहाँ क्यों नहीं मिलाए? लॉकडाउन में तो धंधा बंद हो चुका था, लेकिन सरकार की यही सबसे बड़ी मेहरबानी है कि गेहूं चावल दे के जो भी दिए सरकार ने, आज तक भी मिल ही रहा है। कम से कम हम छोटे कारोबारियों में ये हुआ कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमने गेहूँ चावल जो भी मिलता था आराम से खा पी के अच्छे से जिंदगी निकाले। लॉकडाउन में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा बहुत धंधे पानी में भी कभी कभार थोड़ा बहुत आ जाता था, इसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। बहुत लोग को बहुत दिक्कत भी हुई, बहुत लोग को नहीं दिक्कत हुई, लेकिन हम बोले भाग के यूपी क्यों जाएं? आखिर बीमारी तो हर जगह फैली है, तो बुरा दिन आए तो यूपी भागो, अच्छा दिन आए तो बम्बई में पड़े रहो, ये कोई मतलब थोड़ी ना है। अरे महाराष्ट्र या यूपी, सारा देश तो एक ही है, बीमारी हर जगह फैली है, बुरा दिन आए तो हम यहाँ से भागे क्यों? इसको संभाले रखें, इसका कोई रास्ता निकालें। कितना जने गए गांव में फांसी लगा ली, उसके माँ बाप नहीं दिए अपने बेटे को, कितने जन फांसी लगा लिए, कम से कम यहाँ होते बचे होते, लेकिन डर के मारे सब लोग भाग गए। अब कोरोना मरा कौन है? जिसको डर के मारे अटक आया वही तो मरा है। हमारे यहाँ तो जो मरे हैं वो अटक से मरे हैं, खाली टीवी देख देख के डर के मारे मरे हैं। हमारे यहाँ भाजी की धंधा लगता था, पुलिस दौड़ाती थी, सब लोग हमारे घर में भाग के लोग आते थे, जबकि उस समय हमारी बहू प्रेगनेंट थी। हम लोग तो नहीं डरे, हमारे घर में छोटा बच्चा था फिर भी नहीं डरे, सब बिंदास खा पी रहे आराम से रह रहे थे, कभी कभी दुकान भी खोल के काम भी करते रहे। जो डरा उसी को कोरोना हुआ, वही मरा। बाकी जो कोरोना कहाँ हुआ क्या हुआ हम लोग को पता नहीं, हमारे यहाँ तो किसी को हुआ नहीं, खाली बस सुना कोरोना हुआ, नहीं क्या हुआ कुछ नहीं, 2 साल पार हो गए। लेकिन जो विदेशों में लड़ाइयाँ हो रही वो क्या हालात गुजर रही है, उसकी दशा क्या हो, तो बीमारी से बढ़ के है, उसमें गरीब भी मर रहा है, राजा प्रजाजा जो हो गए वो भी, उनका भी घर उड़ रहा है। उससे तो अच्छा है कम से कम हम इंडिया में सुखी तो जिंदगी बिता रहे हैं, है कि मोदी जी का थे इसलिए देश बच गया, आगे बढ़ रहा है। और सबसे गिरा हुआ यूपी था, अभी यूपी के योगी जी ने ऐसा उतार चढ़ाई किया है कि गाड़ी चलाने को भी मुसीबत है बगैर लाइसेंस का। मैं तो सोचता हूँ साधु महंत ही लोग नेता रहे वो सबसे अच्छा है, कम से कम चोरी करके अपने घर में इतने घुसेड़ेंगे तो बस एक ही बात कहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कमाओ और खाओ, जियो और जीने दो।